जी, एशियन गेम्स में अपना पहला पदक जीत कर कैसा लग रहा है देश के लिए? सर, पहले तो मैं ना अपने देशवासियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मेडल के लिए पता नहीं कितने लोगों ने दुआएं की होंगी कि जैसे आज पता चलता है कि आज भारत की बेटी इसमें हिस्सा लेने वाली है, भारत की बेटी इसमें हिस्सा लेने वाली है, तो कितने लोगों ने दुआ की होगी कि भगवान भारत का एक बेटी को और मेडल दिलाओ, और मेडल दिलाओ। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी देशवासियों का, और उसके बाद मेरी फैमिली, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और मेरे मेरी शादी भी हो गई है। मैं अपने हस्बैंड को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हस्बैंड आए हुए हैं यहाँ पे? नहीं, प्रीति जी, पोडियम में एक साथ दो दो इंडियन फ्लैग थे, दो दो इंडियन एथलीट्स थे, कैसा लग रहा था? बहुत खुशी है सर कि एक साथ दो दो, ये पहली बार हुआ है कि स्टीपल में एक साथ दो मेडल आए हैं, क्योंकि 2014 में ललिता दीदी जो हमारी सीनियर हैं उनका मेडल था, लेकिन सुधा दीदी वो माइक्रो सेकंड से फोर्थ हो गई थी। तो पहली बार हुआ है कि स्टीपल में एक साथ दो इंडियंस का मेडल आया है, तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि हम दो, वो दो इंडियंस हम बने हैं। कितनी लकी आप अपने आप को मानती हैं कि शादी के बाद भी आपके पति ने और परिवार ने इस खेल को सपोर्ट करना जारी रखा आपकी जर्नी? मैं अपने आप को मैं बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली, सबसे पहले तो मेरी फैमिली आई है, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली मतलब ज़्यादा मेरी मम्मी पापा बहन भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे को ससुराल भी बहुत अच्छा मिला, ससुराल में मेरी सास है और मेरे पति हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरी शादी हो रखी है या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि ससुराल घर जैसा ही मिला है। हाँ जी, बेटी, अपने घर वालों से भी आपने बात की थी, आप बता रही थी कि, तो क्या बात हुई उनसे? मैंने मेरे पापा को कॉल किया था तो रोने लगे थे, बोला बेटा तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। हमेशा बोलते थे कि बेटा मेरी बहुत छोटी उम्र है, मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जीऊँगा, एशियन, पहले बोलते थे एशियन गेम में मेडल देना, फिर उनको लगा कि फ्रैक्चर हो गया, बोला कोई नहीं बेटा मेरा एक छोटा सपना है, एशियन गेम में चली जा, ये मेरा सपना है। मैं एशियन गेम क्वालिफाई हो गया तब बोलने लगे बेटा मेरा जिंदगी का लास्ट सपना ये है कि तू एशियन गेम में मेडल लेके आए। आज मैंने कॉल किया तो बोल रहे मेरे उम्र के 5-7 साल बढ़ गए, मैं अभी 5-7 साल और जीऊँगा, ये मेरी बेटी ने मेरा सपना पूरा कर दिया। तो ओलंपिक्स के लिए भी और बोलना शुरू कर कल देंगे? पक्का बोलेंगे, आप देखना कल पक्का बोलेंगे, हर अभी तो रो रहे थे। देखिए, एक इंसान का एक फेथ होता है, आपका फेथ किस में है? पूजा करके आती है तो टोटका करके आई? नहीं, टोटका नहीं करे, मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, और मैंने बाबा को एक ही बात बोली थी, क्योंकि बाबा मैं ना किसी चीज़ के बहुत क्लोज जाती हूँ और आप वो मेरे से छीन लेते हो, मतलब मेरे से ले लेते हो, क्यों? आज मुझे पता चला कि भगवान जो भी करता है ना शायद अच्छे के लिए करता है। 2018 में मैं एशियन गेम में इतना फिट थी, बहुत फिट थी मैं, मेरे को फ्रैक्चर हुआ तो मैं डिप्रेशन में चले गई थी, सोचा भगवान ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहा है। फिर मैं एशियन चैंपियनशिप में अभी अभी थाईलैंड में तो जाऊँ उसमें फोर्थ होगी, फिर मैं बाबा से यही पूछ रही थी कि बाबा क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो, अब पता चला कि उन्होंने मुझे फोर्थ किस लिए किया, यदि वो मुझे उधर फोर्थ नहीं करते ना तो शायद मैं आज एशियन गेम में फोर्थ होती, क्योंकि वो गलती मैं इधर दोहराती। अरे पूजा तो नहीं, बस पूजा ही नहीं करके आई थी मैं, बस बाबा को बोल के आई थी कि बाबा मेडल दिलाओगे ना तभी आके आपके जोत जलाऊंगी, बोल के आई थी उनको ये बात, अभी जाके जलाऊंगी खुश होके। पीएम मोदी जिस तरह से मोटिवेट करते हैं हर खिलाड़ी को, जीत के चाहे जीत हो चाहे हार हो, लेकिन जिस तरह से वो ट्वीट करके मोटिवेट करते हैं, वो कितना ज्यादा आप लोग अंदर से मोटिवेट करता है? सर बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ना बहुत ज्यादा मतलब स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा, और वो बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि मैं, वो बोलते हैं कि मतलब बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो उनका खुद का ये नारा है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां ने बहुत मेडल जीते हैं, तो सर का ये नारा भी सच्ची हो रहा है, ये लड़कियां भी प्रूफ कर रही है ये चीज़ें कि आप बेटी बचाओगे तभी तो आप बेटी को घर से आगे मतलब घर से निकालोगे तभी तो बेटियां कुछ करेंगी। आज सुबह ही आदित्य कुमारी वाला सर ने एक बात बोली थी कि एशियन गेम्स में अफ्रीकन डिसेंडेंट्स प्लेयर की आने की बात की थी आपने, जिन प्लेयर से सेकंड पोजीशन में, सेकंड और थर्ड में इंडिया आया वो भी एक अफ्रीकन डिसेंडेंट प्लेयर ही थे, तो उनके बारे में आपका कुछ राय है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एशियन गेम्स में? मतलब सर मैं समझी नहीं, मतलब कि अफ्रीकी मूल के बहुत खिलाड़ी हैं जो कि यहाँ पर एशिया गेम में आ गए, तो क्या ये आदिल सर ने भी कहा था
प्रेसिडेंट साहब ने, तो क्या इस बारे में आपको क्या करना है कि वो सर पता इसमें ना हमारा मतलब जो एशिया के प्लेयर होते हैं ना उसमें उनका नुकसान होता है, क्योंकि केनियंस लोग होते हैं वो कतर से मतलब कतर उनको स्पॉन्सर करती है, अपनी कंट्री से खिलाती है, वो अपने खिलाड़ियों को तैयार करे ना, दूसरे खिलाड़ियों को खरीद खरीद के, दूसरे खिलाड़ियों को मतलब खरीद के वो अपने देश अपनी कंट्री के मेडल बढ़ाती हैं। तो ये भी तो सर ने भी सही बोला है, ऑब्जेक्शन भी सही उठाया कि वो अपने जो जितना पैसा वो दूसरे कंट्री वालों बच्चों को देते हैं मेडल जीतने के लिए, वो अपने वो इतना पैसा अपने बच्चों पे अपने देश के बच्चों पे खर्चा करे ना, वो क्यों अच्छा नहीं करेंगे। तो इस चीजों से एशिया में जो बच्चे चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो चाइना का हो जापान का कोई भी है मतलब सबको ये चीज होती है कि ये हम भी ये सोच रहे थे, मैंने भी खुद में ये चीज माइंड की थी कि यार वो ये केनियंस है ये और ये कजाकिस्तान से आ रही है, केनियन तो हमारे माइंड में क्या केनियन बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि मैं स्ट्रांग लड़की को बीट करके आगे आ रही हूँ, वो भी केनियंस किया, वो जो लड़की कजाकिस्तान से पार्टिसिपेट किया वो केनिया की है, वो कजाकिस्तान से उसको स्पॉन्सर है। स्ट्रगल सर ये है कि मैं बहुत एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब मिडिल फैमिली का है कि मेरे पापा पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं, एक पेट्रोल पंप पे बंदा कितना कमा सकता है 10,000, 8,000, 7,000। उससे पहले मैं जब मैंने गेम शुरू किया था तो मेरे पापा ये मेरे को ना भागने का शौक बहुत था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि स्पोर्ट्स भी कोई चीज़ होती है, सिर्फ भागना मुझे ये नहीं पता था, ओलंपिक कुछ होता है, एशियन गेम कुछ होते हैं, कुछ नहीं पता था, बस ये था कि लड़कियाँ जाती थी सुबह सुबह प्रैक्टिस के लिए पुलिस वुलिस का फिजिकल मारने के लिए, मैं बोलती थी कि मुझे भी लेके चलो, पापा ने देखा कि मेरी बेटी तो बहुत इंटरेस्ट है मतलब भागने में, उन्होंने मुझे फिर एक बोला चलो ठीक है, स्कूल में कोई ऐसे छोटे मोटे खेल होते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट लेने लगी, मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया, मेरे फैमिली सोचा कि भाई क्योंकि स्कूल को कोई मीट था तो उन्होंने मुझे भागते हुए देखा था, तो मेरे खुद प्रिंसिपल बोल रहे थे कि अच्छा कर सकती है, पापा ने भी सोचा कि मेरे पापा बहुत इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, तो उन्होंने वो सोचा कि मेरी बेटी अच्छा कर सकती है, एक गाँव के कोच है रोशनलाल मलिक, वो मेरे खुद के पर्सनल कोच रहे हैं, तो उन्होंने उनके पास लेके गए कि सर मेरी बेटी को ट्रेनिंग करवाओ, वो गांव का माहौल आपको पता ही होगा बहुत, मतलब कि अकेली लड़की है ऐसे कैसे करवाएंगे ट्रेनिंग, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बहुत बोलने लगते हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं करवाऊंगा लेकिन आप दोनों टाइम इसके साथ आओगे क्योंकि कोई कुछ बोले ना, तो पापा मेरे खुद सुबह सुबह ट्रेनिंग करवाते, फिर पेट्रोल पंप पर नौकरी करते, शाम को जल्दी आते, फिर मेरी ट्रेनिंग करवाते सर के साथ जाके, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट किया है सर मुझे, मतलब मेरे पापा का आज मुझे अपने लिए इतनी खुशी नहीं है कि मैंने मेडल जीता है, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मेरे पापा का सपना था कि वो आज मैंने पूरा कर दिया, और मुझे पता वो सोएंगे भी नहीं आज पता नहीं आज बैठ कर रो ही रहे होंगे, अभी तक रो रहे होंगे, बस उनका सपना था, मुझे अपने लिए इतनी खुशी नहीं है, पापा के लिए ज़्यादा खुशी है, मम्मी के लिए ज़्यादा खुशी है, मेरी मम्मी ने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया टेंशन में। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट लाइव एनालिसिस स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।